दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ गया है और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में काफी बदलाव कर चुकी है। कुछ कंपनीज ने तो अपनी गाड़ियों को फेसलिफ्ट निकाल दिया है, वहीं कुछ ब्रांड तो सीधा नेक्स्ट जनरेशन ले आए हैं। लेकिन वहीं कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो फेसलिफ्ट के बाद भी आउटडेटेड लगने लगी हैं। मतलब सीधा यही है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ ही जानी चाहिए। तो स्वागत है आपका मोटोपीडिया इनकी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सी कार्स हैं जिनकी 2024 में नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्या पता आप जो कार खरीदने वाले हो उसके कुछ महीने बाद ही उसकी नई जनरेशन आ जाए। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो कार है जो कि 2024 में आने वाली है। नंबर 1, मारुति स्विफ्ट एंड डिजायर। नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट और डिजायर एक नए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ साथ डिजाइन और इंटीरियर फीचर्स में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मॉडल 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से लैस होंगे, जिनमें टोयोटा की एटकिंसन साइकिल टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। कंपनी क्लेम करती है कि ये इंजन नई स्विफ्ट और डिजायर को इंडिया की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार बनाता है, जिसमें 35 टू 40 kmpl का ARAI रेटेड माइलेज मिलेगा। अगर बात करें इसके लोअर वेरिएंट की तो उसमें 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही मॉडल्स को वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सुजुकी वॉइस असिस्ट और OTA अपडेट के साथ नया स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, किया कार्निवल। किया कार्निवल के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 2024 की शुरुआत में मार्केट में आने की उम्मीद है। इसे ऑटो एक्सपो में पब्लिक डेब्यू के दौरान K4 के नाम से शो किया गया था। इस नेक्स्ट जनरेशन में आपको ये प्रीमियम MPV ज्यादा एंगुलर और SUV इंस्पायर्ड स्टांस में मिलेगी, जो कि किया की नई डिजाइन लैंग्वेज है। इसके इंटीरियर में डुअल टोन बेज और ब्राउन थीम है, साथ में 2 12.3 इंच की स्क्रीन है, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए होगी। नेक्स्ट जेन किया कार्निवल की सेकंड रो में आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल बैकरेस्ट और लेग रेस्ट के साथ ही रिक्लाइनिंग कैप्टन चेयर भी आएंगी। नए मॉडल का साइज और वेट बढ़ गया है, जिस वजह से इसमें 199 bhp की पावर और 440 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलने वाला है। नंबर 3, Hyundai Venue। Hyundai 2024 के एंड में अपनी वेन्यू की सेकंड जनरेशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खास तौर से ये 1.5 लाख यूनिट्स की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ Hyundai का नया तलेगांव प्लांट से निकलने वाला पहला Hyundai प्रोडक्ट होगा। इंटरनली इस प्रोजेक्ट का नाम Q2XI रखा गया है। वेन्यू की सेकंड जनरेशन में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, हालांकि इन चेंजेस के बारे में भी स्पेसिफिक डिटेल्स फिलहाल लिमिटेड ही हैं। नंबर 4, टोयोटा फॉर्च्यूनर। इंडिया में टोयोटा की सबसे ज्यादा पॉपुलर SUV फॉर्च्यूनर को 2024 में जनरेशनल अपग्रेड मिलने वाला है, जिसमें इसकी अंडरपिनिंग्स, डिजाइन और फीचर्स में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये 2024 में आने वाली मच अवेटेड कारों में से एक है। नई फॉर्च्यूनर IMB आर्किटेक्चर के बजाय TNGA-F प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसके डिजाइन अपडेट्स नए टैकोमा पिकअप ट्रक से इंस्पायर होंगे, साथ ही इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर यानी ISG के साथ एक नया 2.8 लीटर का इंजन होने की उम्मीद है। टोयोटा का मानना है कि इन अपडेट्स की वजह से फॉर्च्यूनर का माइलेज काफी बेहतर बन जाएगा। फीचर्स की बात करें तो ये एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि ADAS टेक्नोलॉजी के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आएगी। नंबर 5, होंडा अमेज। होंडा कार्स इंडिया में आने वाले सालों में अमेज की नई जनरेशन को लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है। ये सब कॉम्पैक्ट सेडान, न्यू सिटी और ग्लोबल स्पेक अकॉर्ड के डिजाइन से इंस्पायर होगी। इसमें मेजर अपडेट्स के रूप में होंडा सेंसिंग सूट, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम को इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा 2024 होंडा अमेज में लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से लैस फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक बिल्कुल नया इंटीरियर लेआउट मिल सकता है। अगर बात करें इसके इंजन की तो इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। नंबर 6, महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो जो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए जानी जाती है, आने वाले साल में जल्द ही इसकी भी नेक्स्ट जनरेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ऑफिशियली लॉन्च डेट तो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जेन बोलेरो स्कॉर्पियो N के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। अगर इसमें चेंजेस की बात करें तो इसके फ्रंट एंड डिजाइन में चेंजेस होने की उम्मीद है, जिसमें महिंद्रा के नए ट्विन पीक बैच के साथ नए डिजाइन की ग्रिल, नया बम्पर, रेक्टेंगुलर LED हेडलैम्प और क्रोम एक्सेंट के साथ रीडिजाइन किए गए फॉग लैंप शामिल है। इंटीरियर में मटेरियल की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश और फीचर्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। नई महिंद्रा बोलेरो में 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल और 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। नंबर 7, टाटा नेक्सॉन टिगोर टियागो।
टाटा मोटर्स अपनी तीन पॉपुलर कार्स नेक्सॉन, टियागो और टिगोर को अपडेट करने की प्लानिंग बना रही है। हालांकि इन तीनों में से नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन आ गया है। न्यू जनरेशन नेक्सॉन का डिजाइन कर्व कॉन्सेप्ट से काफी इंस्पायर है। टाटा ने न्यू जनरेशन नेक्सॉन के साथ नया 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन पेश किया है, जिसे 2023 ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था। बाकी दो मॉडल्स टियागो और टिगोर को भी न्यू जनरेशन मॉडल के साथ अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ गाड़ियां जिनका आने वाले साल यानी कि 2024 में नई जनरेशन इनके आने वाली है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है और आप कौन सी गाड़ी लोगे अगर नई जनरेशन आती है तो। वैसे मैं तो फॉर्च्यूनर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफी टाइम बाद उसमें कुछ मेजर बदलाव आने वाला है। तो आप बताइए आप इसमें से कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, पसंद नहीं आई तो इसको डिसलाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के कॉन्टेंट देखने के लिए।